No offense, please, my Ben. कोई उल्लू का पट्टा ही धन्ना है। ये देख, हमने तुम्हारे मामू के पैसे चुरा के गुब्बारे लगाए थे। सबकी जेबें मारी थी हम लोगों ने। ये पत्ते कहाँ गए? अम्मी ने इसका पालक बनाया था। आ चोरी के पत्तों का याद है, हम लोग को मोहल्ले की सब्जियां चुरा के खाने बनाते थे। मगर तुम्हारी माँ को खाना बनाना तो नहीं आता था। मैं यार से मिलके आ रही हूँ। इसके यार अबू याद है, अम्मी का हाथ का खाना खा के सब लोग मर गए थे। हाँ सब मर गए थे, लेकिन तो अब तुम्हारी माँ अम्मी को खाना भी बनाना नहीं आता, गंदा बनाती है। तो फिर ये लोग जो मर गए थे, अब तुम्हारी माँ को खाना बनाना अच्छा कैसे आ गया? देखना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा कि आखिर। ओहो, तो ये है राज तुम्हारी माँ के मज़ेदार खानों का। आज मैं तुम्हारी माँ को लाजवाब करूँगा, मैं खुद भी खाना मज़ेदार बनाऊँगा पैकेट से। ये देखो, अब तुम्हारी माँ ज़्यादा इतराएगी नहीं। यार के बच्चे ने आज भी कम पैसे दिए। How dare you? मेरे किचन में कैसे घुसे तुम लोग को तमीज नहीं? चपेड़े मारूंगी सबके सबको। और यार तेरी चोरी पकड़ी गई, मसाले के डब्बे हमने देख लिए थे और हमें पता चल गया कि तू अपने हाथों से खाना नहीं बल्कि मसाले के डब्बों से खाना बनाती है, वरना और रिश्तेदार तो मार देती। चल अच्छा ही है, कम से कम कोई भलाई का काम तो कर रही है तू, वरना हम सबकी भी मौतें तेरे सर होती। हेलो, इनको पता चल गया कमबख्त, मैं भी कितनी मेहनत करती थी, आधे ससुराल तो मैंने मार दिया। अम्मी आप इतनी अच्छी है, अब हम मरेंगे नहीं। जिंदा रहना है तो पैकेट का खाना बना के खाओ, मजा इसी में ही है। अरे मुझे तो मुझे दे दो, फिर जहर मिला के ले आओगी तो बच्चे को रिश्तेदारों को मार दोगी। लग गए कमबख्त काम पे। Bad.